शिंदे साहेब, अशोकराव चव्हाण साहेब आणि पृथ्वीराज चव्हाण साहेब सर्व मान्यवर आपल्याला संबोधित करणार आहे. आपण सर्वजण आलात, आपले आभार. आणि माननीय अहमद पटेल साहेबांनी प्रेसला ब्रीफ करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. नमस्कार. जैसा कि आप जानते हैं, आज सुबह सुबह ना बैंड, न बाजा, न बारात, उसके बिना जिस तरह से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी की शपथ दिलाई गई, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के इतिहास में यह घटना काली स्याही से लिखी है. मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि पहले दिन से जब बीजेपी को इनवाइट किया गया, उसके बाद शिवसेना को इनवाइट किया गया, उसके बाद एनसीपी को इनवाइट किया, लेकिन जो कांग्रेस को मौका देना चाहिए था ये राज्यपाल महोदय ने वो मौका नहीं दिया. और उसके बाद बिना वेरिफिकेशन एक नेता जाते हैं, लिस्ट अपनी सबमिट करते हैं, जिस तरह से उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, जिस तरह से सबसे बात होनी चाहिए, विधिवत जिस तरह से स्वागत विधि होनी चाहिए वो नहीं हुई, बल्कि जैसे चुपचाप सुबह सुबह बिना किसी को बताए हुए, फिर मेरे ख्याल से मीडिया के सिर्फ DNI थे, और जिस तरह से शपथ विधि की है उसी से मुझे बू आ रही है कि समथिंग इज़ रॉन्ग समवेयर, कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ. महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता, लोकतंत्र में, संविधान में, संविधान के जो मूल्य है, संविधान के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रोविज़न है, उसमें आस्था रखने वाले लोग हैं, लेकिन उसकी अवहेलना करके जो किया गया है, मैं समझता हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की खेचियाँ उड़ाई गई, और इससे बड़ी बेशर्मी की बात कोई हो ही नहीं सकती. बेशर्मी की भी इंतहा होती है, इन्होंने तो बेशर्मी की इंतहा को भी पार कर लिया. तो इसको हम कंडेम करते हैं. जिस तरह से होना चाहिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वो नहीं हो पाया. एक प्रक्रिया चल रही थी शिवसेना, NCP और कांग्रेस के बीच. पहली मीटिंग जैसे ही उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस प्रेसिडेंट को फ़ोन किया, तुरंत दूसरे दिन ही हम पहुंच गए कि पहले हमें हमारे जो सहयोगी जिनके साथ मिलकर हम चुनाव लड़े हैं उनको विश्वास में लेना चाहिए, और उसी लिए उनके साथ मीटिंग की, कुछ बातें हुई, प्रिंसिपली हम एग्री हुए. उसके बाद जैसे ही शरद पवार जी दिल्ली में आए, उनके साथ उनके घर पे दो मीटिंग की, सब कुछ तय किया गया वहाँ पे, और ऑन एवरीथिंग वी वर ऑन बोर्ड. कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शिवसेना के साथ में करना था, वो बहुत ही जरूरी, और उसी लिए कल ही हम लोग यहाँ पे आए थे. बहुत अच्छी मीटिंग रही. शाम तक कुछ एक आध दो मुद्दे ऐसे थे कि जिसमें ज़्यादा चर्चा की ज़रूरत थी, और उसी लिए आज हम 12:30 बजे मिलने वाले थे, 12 या 12:30 बजे. लेकिन उससे पहले आज सुबह में जो कांड हुआ, मेरे ख्याल से उसके लिए उसकी आलोचना करना, और उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं. आप जो भी अभी कुछ इसीलिए मैंने पहले ही शुरू में कहा हमारी तरफ से कोई भी खिलास नहीं. जैसे ही उद्धव ठाकरे जी का फोन आया, दूसरे दिन हम यहाँ पहुँच गए. शरद पवार जी ने दिल्ली में जो डेट दी वो डेट पे हम लोग मीटिंग में गए, दूसरे दिन भी मीटिंग रही, और उसके बाद तुरंत हम यहाँ आए. तो हमारी तरफ से एक सेकंड की भी डिले नहीं हुई, लेकिन जो प्रक्रिया होनी चाहिए उसके में जितना टाइम लगा उतना. क्या लग रहा है आपको, जो आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि कांग्रेस ने
काफी टाइम लगा दिया। एब्सोल्युटली बेसलेस, कांग्रेस ने बिल्कुल भी डिले नहीं किया। या आरोप जो भी लगा रहे हैं वो मेरे ख्याल से गलत आरोप लगा रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि इसका कारण क्या है। जो आज जो भी हुआ उसका कारण यही है कि एनसीपी से कुछ लोग बाहर निकले, उन्होंने जाके एक लिस्ट दे दी, उसकी वजह से ये सारी घटना। बीजेपी को शिकस्त देने के लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस वोट आएगा उसमें, हम तीनों पार्टी साथ है और बीजेपी को कॉन्फिडेंस वोट में हराने के लिए और उनको जो भी साथ दे रहे हैं उनको हराने के लिए हम लोग इकट्ठे हो के हमारे पूरे प्रयास होंगे। इतना ही नहीं बल्कि उनको शिकस्त देंगे। अहमद भाई, आप राष्ट्रवादी के अजित पवार ने जो निर्णय लिया है तो उनको बढ़तर करने की मांग राष्ट्रवादी के पास करेंगे क्या, पहला सवाल। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप तीनों की जो मीटिंग आज होने वाली थी वो फिर से होगी और बातचीत की जारी रहेगी आपकी? पहला प्रश्न है, आज मीटिंग में हम लोग जब थे सुबह में यही बात हुई है और शरद जी ने स्पष्ट कहा है आज 4 बजे उनकी मीटिंग जो है उसमें उनके खिलाफ जो एक्शन लेने हैं, तब उनका दूसरा लीडर तय करना है, व्हिप तय करना है, वो सारी चीज़ें तय की। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हमें मैसेज आया था कि तीनों पार्टियों की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन कांग्रेस का एक भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे नहीं था। आपको लगता है आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं ऐसे? देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल, और इसीलिए आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ बुलाई है, क्योंकि सुबह में जो मैसेज आया था कि शिवसेना और एनसीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस गंगर सर, उसके बाद हमारा नाम डाला गया था, लेकिन हमारे से ऐसी कोई जितनी बात होनी चाहिए, लेकिन हम लोग फिर भी मीटिंग में आज गए हुए थे, मीटिंग में कुछ बातें हुई हैं और हम लोग ने, क्योंकि हमारी यहाँ मीटिंग थी पहले से तय की हुई थी, उसी लिए हम लोग उसी लिए हम लोग जल्दी जा सर। आपकी आपकी मीटिंग इस बात को लेकर थी कि आपके विधायक कहीं सर आपकी मीटिंग इस बात को लेकर तो नहीं थी कि आपके विधायक क्या आपके साथ है सच में या फिर कहीं और जाने की? आज सारे विधायक इंटैक्ट है, सिर्फ 2 लोग जो है अपने गांव में आज सारे यहां पे प्रेजेंट थे और बहुत अच्छी मीटिंग हुई। वो जो है हमारे विधायक बिल्कुल मजबूत है और बीजेपी को और उनके जो भी एलाइज अभी होंगे लगभग शिकस्त देने के लिए तैयार। 4 लोग एब्सेंट थे सर, 4 लोग, 4 विधायक एब्सेंट थे। तो पवार साहब ने ये कहा है कि 30 तारीख के बाद 3 पार्टियों की सरकार जो है अभी भी बन सकती है, चर्चा जारी रहेगी, क्या आप मानते हैं कि अभी भी बन सकते हैं, सरकार बनेगी? Sir, how will you, how do you plan to take this ahead? Are you going to wait till the floor test or any other strategy that the three of you are planning first? And secondly, is there any distrust about NCT after today's development? Both the ways. One is politically also and another is legally also. Both the ways. Alka ji, Alka. Sir, any distrust towards the NCT after today's development? Hum tino saath milke ye jo bhi confidence vote hai usko parajit karne ki koshish kar rahe hain. Sir, you have called this day black day, so are you going to do like file any complaint and go to court about governor's action? सर, ये अलायंस जो आप करना चाह रहे हैं वो आपको लगता नहीं कि अननेचुरल है? आपको विपक्ष में बैठने का पूरा मैंडेट मिला है, बावजूद उसके आप कोशिश करें सरकार बनाने की? क्योंकि हमने कुछ चीजों पे हमें सहमति लेनी थी, शिवसेना से भी लेनी थी, और खास तौर पे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज है प्रीएम्बल में, और उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजन है और प्रिंसिपल्स है उसमें उन्होंने कहा है कि वी ऑल आर कमिटेड फॉर दिस, सो देयर इज अ नो क्वेश्चन ऑफ अदर थिंग, सो दैट थिंग्स वेयर क्लैरिफाइड बाय द शिवसेना एनसीपी थ्री ऑल द 3 पार्टी वेयर ऑन बोर्ड। शिवसेना के विधायक टूटे ना, इसलिए अभी भी शिवसेना की तरफ से उनके विधायकों को एक होटल में रखा जा रहा है। क्या कांग्रेस के विधायक उनके साथ भी कुछ वैसा ही करेंगे? कांग्रेस के विधायक टूटने की आपको चिंता है? तो हमारे विधायक टूटने की कोई संभावना नहीं है, हमने पूरा विश्वास है, फिर भी हम लोग मिलकर कोई स्ट्रेटेजी बनाओ। भाई कांग्रेस गेव अ प्रिंसिपल कंसेंट फॉर फॉर्मिंग एन अलायंस फॉर द गवर्नमेंट, सो दैट टू दैट कांसेप्ट वाज द फैक्ट दैट शरद पवार जी ऑन बिहाफ ऑफ द कांग्रेस विद द शिवसेना। नो, दैट इज रॉन्ग।
That is wrong. He was speaking to you. He must be speaking, but not on behalf of the Congress. But the fact also was that you expected at least that the manner in which one of the very close confidants of Mr. Pawar walks away, does it disappoint you that at least the NCC sort of gives the party together? Of course, we are disappointed. It is sad. It is very unfortunate. अहमद भाई, आज जो मीटिंग होने जा रही थी तीनों पार्टियों की, अभी आगे कब शेड्यूल है मीटिंग, कुछ तय हुआ इसके बारे में? बताओ सेनेटर, क्योंकि असेंबली बुलाने जा रहे हैं, तो इससे बात बात होगी बाकी दो पार्टियों से भी। अगर पवार सर आपके साथ तो वो अजीत पवार के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? चार बजे वो कह रहे हैं उन्होंने मीटिंग बुलाई, भरोसा दिया एक्शन लेने के लिए? सर इट वॉज ऑलमोस्ट सॉर्टेड आउट। आज